तो वेलकम एवरीबॉडी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम बाद। इलेवन तो हर साल बाद न्यू बैच आती है, बट आपके लिए तो फर्स्ट टाइम है ना इलेवन। मेरा फर्स्ट नहीं है इलेवन का क्योंकि हर बार आपको तो पता है बैचेस आती रहेंगी। बट यस, आपको भी अच्छा लग रहा होगा कि न्यू सेशन चालू होने वाला है। एंड अब तक के बजे आपकी मम्मी कहती रही हो कि बेटा ये आखिरी साल है, पढ़ ले फिर तो लाइफ बन जाएगी। बट अब अभी सही में आप उस स्टेज पे आ चुके हो कि अब मम्मी का बोलना सही है। अब तक भले ही वो एक बार का मम्मी आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए बोलती थी, मगर अब मम्मी बोल रही होगी कि आखिरी साल है, तो ये डेफिनेटली आपका आखिरी साल है। तो आखिरी नहीं, सॉरी, ऐसा मैं और 5-6 साल बोलता रहूंगा। तो बेसिकली आगे बढ़ते हैं। आप में से किस किस का 10th में स्टेट बोर्ड था? ओके, किस किस का 10th में सीबीएसई था? गुड। आप में से कितने लोगों ने डिसाइड किया है कि वो 12th के बाद सीए करेंगे? कितने लोगों ने सोचा है कि वो सीएस करेंगे? क्लैट, क्लैट कोई है? बैंकिंग, सीयूईटी, किसी का और कोई प्लान इसके अलावा? आईपी मैट, ओके, वो मैंने मिस किया। आईपी मैट आपका फाइनेंस, फाइन आर्ट्स, ओके ओके। और इसके अलावा किसी का कोई प्लान? शादी नहीं, टाइम है, ठीक है। कई लोगों का ड्रीम होता है बचपन से, हम बड़े होके शादी करेंगे। खैर, तो चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम है सीए नीरज बत्रा। मैंने सीए कंप्लीट किया, सीएस कंप्लीट किया, सीएमए कंप्लीट किया, फिर एक डीसा किया हुआ, और ग्रेजुएशन में बीबीए किया था। अब बेसिकली मैं कैप्स में डायरेक्टर एंड फैकल्टी हूँ। तो मैं सिर्फ दिन भर मैथ्स ही पढ़ाता हूँ, स्टेट में भी, सीबीएसई में भी, और सीए फाउंडेशन में भी मैथ्स है वहाँ भी। बट जो लोग बेसिकली ना कैप्स में ना आप 11th 12th जो करने वाले हो, 11th 12th स्टेट बोर्ड, इसमें आपके पास एक और चॉइस है। चॉइस मतलब दो दो लोग, दो काइंड के लोग अपने सामने होंगे। एक जो लोग इसके साथ में सीए का फाउंडेशन भी करेंगे, और एक जो सीए सिर्फ 11th 12th कर रहे होंगे, ठीक है। तो जिनका सिर्फ 11th 12th, उनको घबराने की जरूरत नहीं कि सीए क्या कर रहा है हमारे सामने, एंड या ये भी सोचने की जरूरत नहीं कि हम तो सीए नहीं कर रहे। तो कैप्स में बेसिकली 11th 12th है। साथ मैम एक बार बुलाऊंगी कि इनको माइक में, बहुत ही थैंक यू। कैप्स में बेसिकली 11th 12th है, दैट इज सेपरेट। सीए जो कर रहा है उसकी पढ़ाई सेपरेट है, एंड जो दोनों साथ में करता है, यस, उसके बेनिफिट्स है। बट यस, कुछ लोग नहीं कर रहे तो भी इट इज ओके, कुछ लोग सीए फाउंडेशन कर रहे, वेल इनफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चीज है। एंड अब आपके सब्जेक्ट्स आते हैं 11th 12th में क्या क्या, मैं एक बार आपको बता दूं। आपके जो सब्जेक्ट्स है यहाँ पे आने वाले, आवाज आ रही है ना आप लोगों को? एक सब्जेक्ट आपका कंपलसरी होता है, अकाउंट्स। अब बेसिकली कॉमर्स में नया क्या है? अकाउंट्स। किसी ने पढ़ा है 9th 10th में अकाउंट्स? अभी आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सुना है? एनईपी, एनईपी में 9th 100 से ही कॉमर्स आ जाएगा। मतलब आपको 8th के बाद ही डिसाइड करना पड़ेगा साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, या अपने रास्ते ओपन रखने हैं दोनों के। जो डिसाइडेड नहीं है वो लोग 2 साल और वैसे ही ओल्ड स्ट्रक्चर में पढ़ के फिर 11th से सिलेक्ट करेंगे। तो ये आपके सब्जेक्ट है अकाउंट्स। एक होता है इंग्लिश जो कंपलसरी है, एक है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से याद आया, हमारे साथ है सीए प्रियांशी जैन मैडम। प्रियांशी मैडम ने भी सीए कंप्लीट किया, सीएस कंप्लीट किया, एंड मैडम ने सीएस में, सीएस का जो फाइनल एग्जाम होता है प्रोफेशनल, उसमें ऑल इंडिया रैंक 7 अचीव किया था। आपको विश्वास नहीं होगा ऑल इंडिया रैंक 7 अपने सामने है, बट जेन्युइनली है मैम, सबूत होगा ना। एंड सीए, सीए का जो फाइनल एग्जाम था उसमें मैडम ने ऑल इंडिया रैंक 15 स्कोर किया था। तो बहुत बड़ी बात है, एक ही पर्सन ने दोनों सीए और सीएस की फाइनल एग्जाम्स में ऑल इंडिया 7 और 15। एंड मैडम आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे स्टेट बोर्ड में। तो ये आपके 3 कंपलसरी सब्जेक्ट्स। चौथा होता है एसपी। 80% 90% कॉलेजेस में एसपी कंपलसरी में आता है। सेकंड आपके पास चॉइस होगी, एक चॉइस आएगा आपके सामने मैथ्स वर्सेस ओसी का। मैथ्स कितने लोगों का मैथ्स है यहाँ पे? कितने लोगों का ओसी है? इसका दोनों नहीं है, ओके। तो एक चॉइस आपको कॉलेज में आता है मैथ्स या ओसी का। तीसरा होता है आईटी,
हिंदी, या एक आता है फिजिकल एजुकेशन। तो ऐसे छह सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होता है, जो बोर्ड का एग्जाम है छह सब्जेक्ट्स का। अकाउंट्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, एसपी कंपलसरी है, मैथ्स उसी में से आपको एक सिलेक्ट करना होता है, और आईटी, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन में से कोई एक सिलेक्ट करना होता है। अब नागपुर के सारे बड़े कॉलेजेस में मैथ्स है, लेकिन कुछ कुछ कॉलेज में मैथ्स नहीं है, आपको वहां पे नहीं मिलेगा। एंड देन एक और बात, कई कुछ कॉलेज ने क्या किया ना, उन्होंने यहाँ पे ओसी कंपलसरी कर दिया। दो कॉलेज है नागपुर में स्पेशली, दो कॉलेज, एक जरीपटका में है, एक इधर है, उन्होंने ओसी कंपलसरी किया एंड मैथ्स वर्सेस एसपी का ऑप्शन दिया है, ठीक है। बट मोस्टली ऑलमोस्ट आप सभी को, दो चार लोगों को छोड़ के, ऐसा ही ऑप्शन मिलेगा। तो क्या आपका इरादा है चारों कंपलसरी सब्जेक्ट्स पढ़ने का? एक्चुअली इरादे की बात नहीं है तो मजबूरी है, या आपकी ड्रीम है, चॉइस है, जो भी है ना, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। अब यस, 80% लोग मैथ्स में आते हैं, कुछ लोग ओसी में जाते हैं, कुछ लोगों ने डिसाइड नहीं किया। बट मैं आपको दो तीन चीजें बता दूं कि मैं मैथ्स क्यों पढ़ाता हूँ, मैं, मुझे इतना इंपॉर्टेंट क्यों लगता। तो चलो, एक ऐसा है कि हम ऐसा मानते हैं कि मैं पर्सनली आया सर, फर्स्ट वाला बटन थोड़ा कम करेंगे, हल्का, फर्स्ट से तो नहीं है, पहला वाला लेवल 1। हाँ ठीक है, ऐसा है कि मैं, कोई भी आदमी सीए बनेगा, सीए जस्ट एन एग्जाम्पल, सीए करो आप, अच्छे कॉलेज से एमबीए करो, जो भी आप बनते हो, ठीक है, एमबीए मगर आईआईएम वगैरह या अच्छे कॉलेज से, तो आपने ये कंप्लीट किया, तो समझो आपका पैकेज लगता है 8 लाख पर एनम का। फॉर एग्जाम्पल आपका पैकेज 8 लाख, 7 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है। तो मैं ये मानता हूं कि दो चीजें और है जो लाइफ में आपको बहुत काम आती है। आइए सर, तो दो चीजें और है जो आपको लाइफ में बहुत काम आती है। एक साथ में आता है इंग्लिश कम्युनिकेशन। अगर आपका इंग्लिश का कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, तो बेसिकली आपके 3 लाख आप पैकेज के एक्स्ट्रा जोड़ दो, ऐसा मुझे लगता है। हाँ भाई, 2.5 और 4-5 भी हो सकते हैं, वो एक अंदाज आपको एवरेज बता रहा हूं, जो मुझे डेटा मिलता है आपके सीनियर्स से, जो लोग जॉब में जाते हैं, एंड देन पता चलता है कि कैसा चल रहा है। तो इनफैक्ट मैडम भी जॉब छोड़ के आए टीचिंग में, इन्फोसिस में जॉब करते थे मैडम, उनकी क्लास में आपको स्टोरी बताएंगे, मैं ये टाइम नहीं देता उनको। खैर, इसके अलावा एक आता है कमर्शियल मैथ्स, जिसके आप फिर से 3 लाख और जोड़ लो, या मैं तो उसे और भी मानता हूँ, बट ठीक है, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। तो दिस इज लाइक एक ऐसे पर्सन का पैकेज जिसने अच्छी डिग्री अचीव किया, उसका इंग्लिश भी अच्छा है एंड उसका कमर्शियल मैथ्स भी अच्छा है। तो ये इंपॉर्टेंस है मैथ्स का लाइफ में। प्लस आप किसी भी कॉलेज की एग्जाम दोगे, चाहे वो सीए का फाउंडेशन हो, या वो आईपी मैट की एग्जाम हो, या क्लैट हो, या एमबीए की, एमबीए की एंट्रेंस एग्जाम जो कैट की होती है वो हो, या बैंकिंग की कोई एग्जाम हो, सब में आपको क्या पूछेंगे पता है? मैथ्स। कोई भी कंपनी की इंटरव्यू देने जाओ या रिटर्न टेस्ट दो, आप पे क्या पूछेंगे? मैथ्स। अभी ऐसी मशीन्स नहीं बनी कि उन्होंने आपके हाथ से हाथ पकड़ा और उनको समझ गया कि आप कितने काबिल हो। तो बेसिकली वो लोग दो ही चीजें पूछते हैं, मैथ्स और साथ में इंग्लिश, क्योंकि कम समय में जान नहीं पाते। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज तो आपके सामने इंग्लिश तो आपको कंपलसरी है, बट सब लोग ना उसे लाइटली देते, काफी लोग, सब लोग नहीं, मेनी पीपल टेक इट वेरी लाइटली। मगर आपको समझना है कि आपके पास आज से 6 साल है, 11th 12th के 2 साल, और 2 साल के बाद 4 साल आपके करियर के, चाहे आप एमबीए की तरफ जा रहे हो, ग्रेजुएशन की तरफ, एमबीए की तरफ गए तो 5, जो भी मतलब, तो ये जो 5-6 साल है इसमें आपकी लाइफ बनने वाली है। और 5 साल बाद सोचो, कोई आपको पूछेगा, कोई कंपनी में इंटरव्यू दे रहे, उन्होंने कहा आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, नहीं चाहिए, तो आप क्या कर लोगे? है ना, फिर से तो 11th क्लास में नहीं आओगे ना, तो अच्छा नहीं लगेगा ना बच्चों के साथ बैठने में। तो हम लोगों ने आज से वो तैयारी करनी है, बिकॉज आई हैव सीन पीपल कि आपका एक इंग्लिश से फर्क पड़ता है, तो आपने वो अभी से तैयारी करनी है। अभी से तैयारी इन द सेंस, आप लोग क्या कर सकते हो इंग्लिश अच्छा करने के लिए? दो चीजें, एक मुझे लगता है आप रीडिंग कर सकते हो, नॉवेल्स, नॉवेल्स जितने पढ़ सकते हो पढ़ो, इंग्लिश बहुत अच्छा होता है। दूसरा, आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हो क्लास में, सारी बातें आप लोगों ने इंग्लिश में करनी चाहिए जब तक हो सके। हफ्ते में 1-2 दिन कर पाओगे क्या? पर लोग हंसेंगे आप पे, फिर क्या करोगे? आपके पास चॉइस है, एक बार तो लोग हंसेंगे, आज हंसे चलता है कि आप सीए बन गए, कंपनी में बैठे हो, तब लोग हंसे, क्या बोला, यू आर सिटेड हियर, ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना, समझ में आ रहा है? सिटेड कोई वर्ड नहीं होता, पुटेड नहीं होता। तो
तब हंसे आज हंसे, आपके पास चॉइस है, आज हंसने दो। 20-25 दिन लगते हैं इंग्लिश को अच्छा होने में, अब 15-20 लाफ्स लगती है, 15-20 लोग अपने पे हंस दें, अब 20-25 दिन गुजर जाए, अपनी इंग्लिश काफी स्टैंड कर लेती है। जितने भी इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस होती है ना, 15-20 दिन के ही होते हैं। तो बस वो शर्म हटाओ, क्योंकि आज अपने साथ दोस्त है, एंड आप सोचोगे कि वो हंसेगा और वो सोचेगा कि आप हंसोगे, तो पहले आपके चक्कर में कोई नहीं बोलेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से ही स्टार्ट कर दो। बोल के बताओगे कुछ, बोलो हाय, अरे अच्छी इंग्लिश आपकी, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छी है वैसे, किसकी इंग्लिश अच्छी है यहाँ पे, ठीक है, बाकी हो कि नहीं कोई बात नहीं, इंग्लिश आज अच्छी नहीं है मैटर नहीं करता, कब अच्छी होनी चाहिए, 2028 में जब कुछ बन जाओगे तब तक इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपके पास बहुत टाइम है, 6 साल। आपको पता है वर्ल्ड की हिंदी जो है वर्ल्ड की सेकंड टफेस्ट लैंग्वेज है, एंड इंग्लिश वर्ल्ड की सेकंड इजिएस्ट लैंग्वेज है, जब लास्ट चेक किया था 3 साल पहले मैंने, तब ऐसा था। तो ऐसा कहते हैं कि जिसको हिंदी आती है उसको कोई भी लैंग्वेज आ सकती है, क्यों, क्योंकि अगर वो इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज पढ़ पाता है, हिंदी तो सगरामा ये थे ना, जो इतनी टफ लैंग्वेज पढ़ सकता है वो ये इंग्लिश जैसी चिल्डर लैंग्वेज तो कभी भी पढ़ लेगा। बस द थिंग इज अपन शर्माते हैं, बोलते नहीं है, एंड अपना अपने को माहौल नहीं मिलता, क्योंकि अपन उलझ जाते हैं महाराष्ट्र में रहकर हिंदी वर्सेस मराठी में, तो इंग्लिश का अपने को ज्यादा मौका नहीं मिल पाता। बट यस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कमिंग बैक, अब आता है आपके पास चॉइस मैथ्स का, ये आपने देना चाहिए कि नहीं। तो मैं आपको थोड़ा बहुत मैथ्स के बारे में बता दूं कि ये कौन सा मैथ्स है। आपने 10th में मैथ्स पढ़ा होगा ना, उसमें क्या था आपको याद दिलाता हूं, एक ज्योमेट्री था आपको, ज्योमेट्री, और दूसरा क्या था, अलजेब्रा में मेनली क्या था, ट्रिग्नोमेट्री था, ज्यादातर क्या था अलजेब्रा में, ट्रिग्नोमेट्री, और क्या था, इक्वेशंस थे, इक्वेशंस, और क्या था, एपीजीपी, एपीजीपी, एपी था, और क्या था, प्रोबेबिलिटी, और क्या था, फाइनेंशियल पैरिटी, फाइनेंशियल पैनिक, अच्छा ठीक है। अब इसमें से अपने को जो 11th में है ज्योमेट्री 0 है, क्योंकि ज्योमेट्री इज फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, अपन लोग तो इंजीनियरिंग छोड़ चुके हो बेटा, किसी का ड्रीम तो नहीं है इंजीनियर बनने का, आप गलत जगह हो फिर, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री 0 है ना, 11th 12th कॉमर्स में ट्रिग्नोमेट्री है ना, CA की पढ़ाई में ट्रिग्नोमेट्री है ना, IIP मैट की तैयारी में ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। इनफैक्ट ऐसा पहली बार हुआ है कि CBSE ने स्टेट बोर्ड का मैथ्स कॉपी किया काफी कुछ, मतलब स्टेट बोर्ड ने 5-6 साल से कमर्शियल मैथ्स लाया, कमर्शियल मैथ्स का डेफिनेशन मैंने बनाया हूं नॉन ट्रिग्नोमेट्री वाला मैथ्स, तो CBSE ने भी अभी वो कर दिया 2 साल से, मगर पहले स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र में हुआ था 6 साल पहले, तो वो भी नहीं है। इक्वेशंस है, AP है, प्रोबेबिलिटी नहीं के बराबर है, तो ये चैप्टर्स है। तो देखो बेसिक मुझे लगता है कि आपका 50% तो ज्योमेट्री था, इसका 30 तो ये था, ये 80 तो आपको है ही नहीं। तो 11th 12th में मैथ्स पढ़ने के लिए एक्चुअली पता है क्या उसका नाम, अगर मैं मैथ्स की जगह ऐसा कुछ रख दूं फाइनेंस, तो आपको लगेगा अरे वाह इजी है, वो मैथ्स नाम से डर ऐसा बैठ गया है सबको कि लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली इट इज नॉट मैथ्स, इट इज फाइनेंस। फाइनेंस मतलब बैंकिंग आती है उसमें, है ना, लोन का इंस्टॉलमेंट, EMI कितना आएगा वो आता है, अपन ने कौन से स्टॉक मार्केट थोड़ा बहुत आता है, इन्वेस्टमेंट कितना रिटर्न मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है, ये सब आता है। थोड़ा बहुत मैथ्स के फॉर्मूले से जो फैक्ट्री में अप्लाई होते हैं उसके ऊपर भी आपको 2-4 एप्लीकेशन दिया है। कुछ कुछ आपको ऐसा दिया है कि प्रैक्टिकल बिजनेस में कभी कभी मैथ्स अप्लाई होता है, जब आप बिजनेस में जाओगे, आप MBA में भी पढ़ोगे ये चीजें, ऑपरेशन रिसर्च बोलते हैं उसके भी चैप्टर से आपको। तो अगर मैं बोलूँ तो अगर मैं CA से कंपेयर करूँ तो CA का फाउंडेशन का जो मैथ्स है 100 मार्क्स का, उसमें से 90 मार्क्स यहाँ पे कवर्ड है। CA का जो इंटरमीडिएट है उसका 20 मार्क्स यहाँ कवर्ड है, और CA फाइनल के भी 15-20 मार्क्स यहाँ कवर्ड है। इतना सारा मोर देन 100 मार्क्स CA करिकुलम का आपके 11th 12th के मैथ्स में कवर्ड है। तो इसलिए मेरा सबको एडवाइस होता है कि मैथ्स आपने करना चाहिए, एक रीजन। दूसरा रीजन, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैथ्स लो, बट द थिंग इज मैं नहीं भी पढ़ाता हूँ तो भी मैं कहता था कि मैथ्स लेना चाहिए, होगा ना विश्वास। एक और बात, मैथ्स में ये तो आपके बेसिक चैप्टर्स जो आपको काम में आएंगे, किसी का कोई सवाल मैथ्स को लेके अभी तक के, नथिंग,
जीरो से पढ़ने वाले पूरा, नाइन्थ और टेंथ का कुछ काम नहीं आता, टेंथ का सिर्फ एक इक्वेशन, नाइन्थ का जीरो, एक भी चैप्टर नहीं है आगे। एट स्टैंडर्ड तक का मैथ से जो आगे अप्लाई होगा, थोड़ा बहुत उसमें इंडाइसेस वगैरह था ना आपको, वो बेसिक्स है बस, यहाँ पे बहुत डेप्थ में नहीं है। तो ये उसका है आपको बेसिकली फायदा, जो हमेशा आपकी हेल्प करते रहेगा। और एक मैं मानता हूं कि जैसे ना मैं आपको इजी एग्जांपल देता हूं, मैं हमेशा स्कूल में ना 100 मीटर 200 मीटर आपके स्कूल में भी रेसिंग होती होगी, होते थे कभी स्पोर्ट्स मीट में 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर, मैं हमेशा दौड़ा हूं, हमेशा मैं सेकंड आया पीछे से, कभी कभी नहीं जीता, बट स्टिल अभी भी मैं कई बार रनिंग पे जाता हूं, अब कभी नहीं जीता, बहुत स्लो दौड़ता हूं। तो बताओ मैंने दौड़ना चाहिए कि नहीं दौड़ना चाहिए, क्या लगता है क्यों दौड़ना चाहिए? भाई मैं कभी फर्स्ट आता ही नहीं हूं, फिर क्यों दौड़ू? बहुत खराब परफॉर्मेंस है रनिंग में मेरा, बोलो दौड़ू कि नहीं दौड़ू? क्या लगता है क्यों दौड़ता हूं मैं? पैशन नहीं है बेसिकली, मुझे खुद को फिट रखना है ना, लगा होगा ना देखिए मुझे फिटनेस नहीं क्या सर? हाँ, तो बेसिकली टू कीप माई सेल्फ फिट मैं दौड़ने जाता हूँ, है ना, उससे स्टैमिना बढ़ता है, फिर हम लोग ट्रैक अच्छा कर सकते हैं, स्पोर्ट्स अच्छा खेल सकते हैं। मैं अच्छा भले ही नहीं दौड़ पा रहा हूँ, मतलब फास्ट नहीं दौड़ पा रहा हूँ, बट मैं क्योंकि मैं दौड़ रहा हूँ इससे मेरी बॉडी फिट रहती है। सिमिलरली वाई वॉज मैथ्स इन्वेंटेड या डिस्कवर्ड? टू कीप योर ब्रेन फिट। मैथमेटिक्स इज एक्सरसाइज फॉर योर ब्रेन, ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाए अच्छी बात, नहीं लाए तो भी मैथ्स करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? दिमाग की एक्सरसाइज होनी चाहिए कि नहीं? एक्सरसाइज में मार्क्स कम आएंगे चलेगा, बट एक्सरसाइज थोड़ी रोक देंगे उस चक्कर में। तो द थिंग इज दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैथ्स, जो आप लोगों को सबको पता होना चाहिए। तो ये एक पार्ट था जो बेसिक मुझे बताना था। कमिंग बैक, ये अपनी बिल्डिंग आप लोगों ने बाहर से देखा होगा, इसी गेट से आप अंदर आए हो, तो आपकी क्लासेस फिलहाल ये फर्स्ट फ्लोर पे होगी, कुछ टाइम बाद आपकी क्लासेस थर्ड फ्लोर पे शिफ्ट हो जाएगी, मगर फिलहाल अंटिल फर्दर नोटिस ये फर्स्ट फ्लोर पे क्लासेस है। एंड देन आपको कुछ और बेसिक्स बता दूं, यहाँ पे नीचे में गर्ल्स का टॉयलेट है, यहाँ से सीढ़ी से नीचे आते हो ना, लेफ्ट फ्लोर के गर्ल्स टॉयलेट है, बॉयज टॉयलेट अभी पीछे शिफ्ट हो रहा है, 10 दिन बाद हो जाएगा, यहाँ से घूम के बिल्डिंग के पीछे साइड में है। एंड देन इसके अलावा आपको, आप लोगों ने कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स हमारे नोट कर देने चाहिए जो आपको काम आएंगे, आपको एडमिशन से रिलेटेड या एडमिन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग कैप्स के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 9693120120 इंक्लूडिंग व्हाट्सएप, ठीक है। आपको कोई भी ऐप का डाउट है, ऐप या टीम्स, अब ये ऐप या टीम्स क्या है, तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि एक अपनी जो क्लासेस है ना वो यहाँ पे ऑफलाइन चलती है। कैसे चल रही है क्लासेस? ऑफलाइन क्लासेस है, मगर यहाँ पे कैमरे में भी बहुत लोग ऑनलाइन बैठे हैं, एंड ऑनलाइन वालों को बता दूं कि मेरे सामने भी कई लोग बैठे हैं, तो ऑफलाइन चल रही है क्लासेस और साथ साथ में ऑनलाइन लाइव। ऑनलाइन लाइव मतलब क्लासेस तो यही टाइम पे होंगी जो आपको दिया, जैसे अगला लेक्चर 3:30 बजे आपका अकाउंटेंसी का है, 3:30 बजे अकाउंटेंसी अटेंड करो। कहां से कर सकते हो? यहां सामने फिजिकली बैठ के या तो घर पे बैठ के ऑनलाइन अटेंड कर सकते हो, बट ऑब्वियसली मैं एडवाइस करूंगा कि सामने से ही करो, उससे आपका परफॉर्मेंस बढ़ता है। जैसे मुझे समझ जाता आपको देख के, टीचर्स को कि देखो इनको समझ में नहीं आ रहा, ऐसा देख के समझ जाएगा कि आपको कुछ नहीं समझ रहा, एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, ठीक है, कि हमको समझ जाएगा आपको समझ रहा है कि नहीं, सब लोग डाउट्स नहीं पूछते एंड हम लोग भी काफी हेल्प कर पाते हैं, एंड एक जो अपना हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन है वो सिर्फ ऑफलाइन में हो सकता है। तो क्लासेस दोनों मोड में है, बट आवर एडवाइस इज ऑफलाइन। कुछ लोगों को हॉस्टल नहीं मिले तो वो लोग ऑनलाइन है, बट देन दे विल बी जॉइनिंग सून। अब जिसकी एकदम मजबूरी है नहीं आ पा रहा है तो अलग बात। सेकेंडली जो भी क्लासेस होती है ना उसका आपको एक दो दिन के अंदर बैकअप मिलता है। बैकअप, बैकअप का मीनिंग क्या है बेटा? जो भी जैसे आना मेरा वीडियो जो है ना रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब मैं सेम कपड़ों में सेम डिजाइन और सेम ये स्लाइड के साथ आपको शाम को आपके घर पे भी दिख सकता हूँ मोबाइल के ऊपर। कैसे? आपको एक ऐप डाउनलोड करनी होगी, कैप्स लर्निंग ऐप। कौन सी ऐप है? कैप्स लर्निंग का ऐप आप डाउनलोड करना, उसमें आपका जो स्टूडेंट का मोबाइल नंबर यहाँ पे सबमिटेड होगा, आपने फॉर्म भरते टाइम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, वो नंबर से उसका लॉगिन आईडी है, वो नंबर डालिएगा, ओटीपी आएगा, लॉगिन कर देना, आपको आप स्टेट 11 का बैच दिखेगा, उसमें सारे सब्जेक्ट दिखेंगे, अकाउंट्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, एसपी, तब उस सब्जेक्ट में जाके आपको डेट वाइज सारे वीडियो मिलेंगे, जो जो होता जाएगा, जैसे आज जो हो गया आ जाएगा, फिर 4 लेक्चर मैथ्स के हो गए वो आ जाएंगे, जो जो होता जाएगा डेली एक दिन के अंदर आता जाएगा। कभी इनके हिसाब किसी की शादी में गए हो या तबीयत ठीक नहीं है और रात में देखना चाहते हो, घर पे एब्सेंट हो क्लास में, तो उससे देख सकते हो। दिस इज वन थिंग। एक
जो लोग ऑनलाइन लाइव करेंगे वो लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स डाउनलोड करके उसका जो लॉगिन आईडी वगैरह है वो सचिन सर से दे सकते हो। तो ऐप और टीम्स पे आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कांटेक्ट करना सचिन सर से, वो पूरा इसका डिपार्टमेंट देखते हैं, आईटी डिपार्टमेंट के हेड है वो। उनका नंबर है 9850660334, ये भी आप नोट करके रखिए। आपको एकेडमिक से कोई रिलेटेड डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आप लोग नंबर सेव कर दीजिएगा, मुझे भेज भी दीजिएगा, हाय अपना नाम लिख के भेजना और बैच भी लिख के, मैं भी आपका नंबर सेव कर दूंगा। तो ये नंबर्स नोट कर लीजिए, फिलहाल लिख लो एक जगह पे कहीं भी जहां कर सकते हो। डन, ओके। और इसके अलावा ये अपनी कैप्स की सारी टीम है, एंड ये शर्मा सर हैं, आपको दिख रहा है फोटो जिनके नाम पे डी शर्मा कैप्स करके है। एंड बाकी आपको स्टेट बोर्ड में ये मैडम भी दिख रहे होंगे आपको, हम देखो एक बार पहचान में आ रहे क्या। एंड मैं दिख रहा हूँ आपको इधर, यस यस सही है, ड्रेस सेम था ना। तो ये अपनी स्टेट बोर्ड की टीम है। सरवन सर विल बी टीचिंग यू अकाउंटेंसी, सर पिछले 37 ईयर्स से अकाउंटेंसी पढ़ा रहे हैं। एंड मैं आपको कैप्स का एक रिकॉर्ड बता दूं कि पिछले 10 सालों में से 7 साल में जो विदर्भ टॉपर था वो कैप्स कर रहा है। पिछले 10 सालों में से 7 साल विदर्भ टॉपर कैप्स का था, प्लस प्लस जो 3 बार नहीं था उसमें फर्स्ट नहीं था, लेकिन जो टॉप 10 है उसमें से 8 कैप्स के थे, सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स सेवन एट नाइन इस टाइप का, तो 10 जो भी एक नंबर मिस हुआ होगा। तो कहने का मतलब अगर आप टॉप 10 देखो हर साल के तो उसमें से मेजरली 7-8 बच्चे आपको कैप्स के ही दिखेंगे या 5-6 बच्चे कभी, बट यस टॉपर 10 में से 7 बार कैप्स का आया है। ठीक है, तो कैप्स में आपको प्रैक्टिस बहुत कराई जाएगी सब सब्जेक्ट्स की, ऐसा नहीं कि 40 घंटे में अकाउंट्स खत्म कर दिया, वो सब नहीं होगा, डिटेल में होगा तभी बच्चे इतना अच्छा स्कोर कर पाते हैं, वेदर इट बी अकाउंट्स वेदर इट बी इकोनॉमिक्स एसपी मैथमेटिक्स इंग्लिश सब कुछ। तो एंड साथ साथ में आपकी क्लास टेस्ट यूनिट टेस्ट वो सब भी चलता रहेगा, तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी टेकन केयर ऑफ, बस आपको पढ़ना है ना। अब पढ़ने के लिए आपके सामने एक एम होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि सर हम कैसे पढ़ पाएंगे। क्या होता है ना, सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एग्जाम्पल के पहले बेटा आपका नाम क्या है? हाँ आदिश इधर आओ बेटा, मस्ती कर रहे थे ना आप? नहीं क्या, मजाक कर रहा हूँ, इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? आदिश। नीरज बत्ता, जाओ बेटा, थैंक यू। तो ये आदिश था, मेरे सब लोग आदिश से, EDISH, ठीक है, EDISH, बढ़िया। क्या आप लोग नोटिस किया मैंने आदिश को यहां बुलाया, वो मुझसे मिलके गया, उसको तकरीबन कितना टाइम लगा होगा थोड़ा सोच के बताना? नहीं, 15 सेकंड लगे करीबन, 15 सेकंड उसे लगे, 30 सेकंड गिने कि नहीं? हाँ, ये ऑनलाइन वालों को ज्यादा पता हो क्योंकि उनके दिखता है, 15-20 सेकंड लगे क्योंकि आया फिर यार रुका आया गया, समझ रहा है क्या? तो 15-20 सेकंड आदिश को लगे यहाँ पे आने में। आपका फेस आईडी पूछ रहा है मैम, ठीक है, ठीक है। तो लेकिन आदिश क्या आप यही काम 5 सेकंड में कर सकते हो क्या? सोच के देखो, 15 सेकंड है, 5 सेकंड में कर पाओगे क्या? किया तो मैं कैडबरी दूंगा, नहीं किया तो आप मुझे दोगे, डील पक्की? ट्राई करोगे? अच्छा लगा आपने हाँ बोला। ये 5 सेकंड स्टार्ट नाउ, 5 4 3 2 1 0.5, सीधा, बढ़िया। क्या आपने देखा कि पहली बार आदिश ने 15 सेकंड लगाया और दूसरी बार उसने 5 5.5 सेकंड में कंप्लीट कर दिया टास्क? कौन किसको देगा कैडबरी? वो मुझे देगा, 5 सेकंड के ऊपर हो गए क्या?
0.5 तो जीरो आने का था ना। अच्छा ऐसा क्या, नहीं ऑलमोस्ट हो गया, चलेगा मैं दूंगा बेटा, बट दांत खराब होते कैंसिल। नहीं नहीं मैं दूंगा, पक्का दूंगा। क्या आपने नोटिस किया फर्स्ट टाइम में उसे ज्यादा टाइम लगा, सेकंड टाइम में कम लगा? सेम टास्क, वाया मिला गया, सेम और कुछ भी नहीं। क्यों ऐसा हुआ होगा? प्रिपेयर्ड था गुड, और एम था उसका वेरी गुड। उसके सामने एम था मुझे 5 सेकंड में करना है, उसके सामने गोल था कि मुझे करना है। जब भी अपना गोल होता है ना, हमें वो चीज करनी है, तो हम उसके लिए मेहनत करते हैं, प्रिपेयर्ड रहते हैं, हम वो चीज जल्दी कम टाइम में अचीव कर देते हैं। तो आप आज एम बनाओगे ना कुछ करने का, तो आप लोग अच्छे से कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने 11th 12th में किसने सोचा है कि उसे 95 के ऊपर परसेंट लाने हैं? किसने सोचा है कि उसे नागपुर टॉपर बनना है? किसने सोचा कि सर हमारे 10 में 60 थे, मुझे यहाँ पे 80 लाने हैं? कुछ तो सोचना पड़ेगा, भले ही 10 में 60 रहे होंगे, आज 80, 10th में 90 होंगे, तो आज 95। हम एक गोल बनाएंगे और उसकी तरफ प्रिपेयर करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, तब जाके उसे अचीव करने की चांसेस बढ़ेगी, वरना आपको 15 सेकंड जैसा टाइम लगेगा, है ना। तो मैं ये भी चाहता हूं कि 11th 12th के साथ साथ आप लोग एक और काम करें, आप 12th के बाद अपना एक करियर डिसाइड करें। जैसे कई लोगों ने CA डिसाइड किया, कई ने क्या डिसाइड किया था, फाइन आर्ट्स, एक ने डिसाइड किया है IPMAT, है ना। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, मैं चाहता हूं कि हर कोई कुछ ना कुछ डिसाइड करे, कुछ ना कुछ हर कोई डिसाइड कर ले, जो भी आपकी इच्छा होगी, मगर एक ना एक चीज डिसाइड करो। ये तो नहीं बोल रहा कि CA ही डिसाइड करो, हाँ CA में डिसीजन लेनी है तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो, बाकी भी जो भी चाहिए कॉमर्स में, मुझे एक जनरल आइडिया तो है बैंकिंग कहां से करना, क्या करना, क्या पढ़ना, आई गाइड यू। मगर आपने एक ना एक चीज डिसाइड करनी चाहिए। क्यों डिसाइड करना चाहिए? क्योंकि एक गोल रहेगा तो हम उसको कम टाइम में अचीव कर पाएंगे, नहीं रहेगा तो सीधा 12th के बाद आओगे, सर CA करना है, CS करना है, IPMAT करना है, फिर एक साल और एक्स्ट्रा लगेगा ना, जैसे इसे 10 सेकंड पहले एक्स्ट्रा लगे थे। तो द थिंग इज, अभी से आपने डिसाइड करना चाहिए। तो सलमान सर अकाउंटेंसी पढ़ा रहे हैं, एंड वो जो रिजल्ट आया उसमें जो सर ने जितने अकाउंट्स में प्रैक्टिस कराया, डेट इज द रीजन इस रिजल्ट का, एंड अकाउंट्स में कई बार लोगों के 100 मार्क्स आने का। एंड ये आपको बढ़िया सा फोटो दिख रहा होगा सेंटर में, ये मैं ही हूँ, मैच कर लो, इसे मैं दाढ़ी नहीं हटाया, मैच होना चाहिए। तो दिस इज मी एंड आई विल बी टीचिंग मैथमेटिक्स। मुझे अच्छा नहीं लगता मैथ्स लिखना, यहाँ पे कमर्शियल मैथमेटिक्स बोलना चाहिए, मैंने अर्जी डाला हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, बट सरकार चेंज हो गई अभी, तो अर्जी खारिज हो गई, अब ठीक है वापस डालूंगा कि इसका नाम कमर्शियल मैथ्स कर दो, लोग नाम से डर जाते हैं बेसिकली। ये फोटो दिख रहा होगा आपको, प्रियांशी जैन मैडम, शी विल बी टीचिंग यू इकोनॉमिक्स, मजा आएगा। एंड ये वही मैडम है जो भी बताया था ना आपको, CS के फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 7 एंड CA फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 15। तो कई बार लोगों को विश्वास नहीं होता होगा, क्या बोल रहे सर ने 7 15 कुछ तो भी था, बट यस ऑल इंडिया समझता है आपको, इन्हें पूरे नागपुर में, पूरे इंडिया में 7th रैंक लाना बहुत बड़ी बात है ना। ये प्राची मैम आपको SP एंड OCM पढ़ाएंगे, किसी किसी का OCM भी है ना, एंड कोई लोग OCM और मैथ्स दोनों भी कर सकते हैं उनकी इच्छा होगी तो, बट देन जिनका मैथ्स नहीं है सिर्फ वो ऐसा करना, जिनका मैथ्स है उसको OC की जरूरत नहीं, बट एक दो कॉलेज में OC मैथ्स आ जाएगा, SP नहीं रहेगा। तो मैं आपको SP OC पढ़ाएंगे, मजा आएगी आपको। एंड इंग्लिश ऑड्री मैडम, तो 3 मैडम है और 2 सर हैं, ठीक है। तो दिस इज आवर टीम, एंड आपकी क्लासेस आज से ही शुरू हो जाएंगी, इसके बाद करने, ये तो इंट्रोडक्टरी है, आपको सब बताना है कि क्या क्या, एंड देन आपका नेक्स्ट लेक्चर अकाउंट्स का रहेगा। इनिशियली हम लोग 2 लेक्चर से शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे अपन 3-4 लेक्चर्स कर देंगे। फिर ओरिजिनल टाइम टेबल अपना है भाई 2 बजे से लेके 7 बजे तक के चलता है, एंड सिर्फ पढ़ाई नहीं, अब 11th 12th में ना कोई कोई कॉलेज में ना अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है, इनफैक्ट सिर्फ कोई कोई में है, तो मोस्टली आप में से 80% लोगों को कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, अटेंडेंस इज नॉट कंपलसरी। तो आपका कॉलेज लाइफ जो मिस होता है, हम उसे ट्राई करते हैं कि वो मिस ना हो। तो हम लोग आपके लिए कई सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करवाते हैं, जैसे कैंप जाना, हम दोनों आज ही सुबह कैंप से आए, हम लोग 12th CBSE के साथ गए थे, अभी 2 महीने बाद 12th स्टेट के साथ भी जाएंगे, आपका भी एक कैंप जाएगा। तो हम लोग अभी गए थे रतनगढ़ फोर्ट इगतपुरी, तो रात में फ्राइडे को ट्रेन से बैठ के गए थे, सैटरडे सुबह वहां पहुंचे, फर्स्ट डे रतनगढ़ फोर्ट गए, सेकंड डे संदन वैली है, वहां पे 2 माउंटेन्स के बीच में रिवर, उसमें गए, एंड देन निकल के आज सुबह यहाँ पहुंचे। तो आपका भी एक ना एक कैंप होगा ऐसा हर साल, देन हर हफ्ते वॉक्स होते हैं, पिछले 202 वीक से वॉक होते जा रही है, हर हफ्ते मॉर्निंग में वॉक होता है 6 बजे, जो भी ज्वाइन करना चाहता है यू आर मोस्ट वेलकम एंड इन्वाइटेड। इंडोर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट वगैरह होता है, इनफैक्ट आपको शायद पता होगा कि टेबल टेनिस तो नीचे ही है इसी बिल्डिंग में, जिसको खेलना है ब्रेक में आप बिल्कुल जाके खेल सकते हो, 2 लेक्चर के बीच में ब्रेक दिया है, मतलब
सांस लेने के लिए, पानी पीने के लिए और टेबल टेनिस खेलने के लिए, एंड देन क्रिकेट टूर्नामेंट वगैरह वहीं पे हो जाएगी। हाँ, अब आपका सभी का एक स्पोर्ट्स पीरियड कंपलसरी होगा हर वीक। हम लोग इस वीक ट्राई करेंगे, वरना अगले वीक से तो रहेगा ही, हर वीक एक स्पोर्ट्स पीरियड। तो आपके पास बहुत सारे स्पोर्ट्स के ऑप्शन होंगे, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, तो आपको उसमें से एक स्पोर्ट्स सिलेक्ट करना है एंड देन आप उसे खेल सकते हो। वहां पे चेंज भी कर सकते हो कितने बार, कोई इशू नहीं है। है किसी को इंटरेस्ट खेलने में? बढ़िया, एंड गर्ल्स ने भी खेलना चाहिए बेटा, है ना, गर्ल्स ने भी खेलना चाहिए। नहीं कुछ तो चेस खेल देना मैडम के साथ, ठीक है? मैडम को हराओगे तो बहुत मजा आएगा कि हमने मतलब AI7 मैडम को चेस में हराया है टाइप्स। मैंने भी, मुझे भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ अभी तक, बट यस। तो एंड देन साइकिलिंग वगैरह एंड सेमिनार्स टाइम टू टाइम, हर दो हफ्ते में एक इवेंट आपके लिए करते हैं हम लोग, जिसमें क्योंकि ना मैंने आपको एक चीज क्लियर किया, मैंने पीछे आपको बताया था ना ये कि क्या पैकेज है CA का, इंग्लिश कम्युनिकेशन, कमर्शियल, मैथ्स। एक और चीज इसमें मिस हुई, वो है पर्सनालिटी आपकी, क्या कॉन्फिडेंट हो आप, कितना टाइम को इंपॉर्टेंस देते हो, सब चीजें। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका सब चीज को लेकर डर, आप कितना लोगों से घुल मिल जाते हो, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आपकी पर्सनालिटी भी साथ साथ में डेवलप हो, जिससे हेल्प मिलेगी आपको अच्छा स्कोर करने में एंड अच्छा पैकेज देने में। उसके लिए भी हम लोग टाइम टू टाइम हर दो वीक में आपका एक ना एक इवेंट रखेंगे, ताकि आपको अलग से क्लास लगाने की जरूरत ना पड़े, यहीं पे सब कुछ हो जाए। तो डोंट वरी अबाउट इट। तो ये सारी चीजें आपके लिए होने वाली है एंड लग रहा है एक्साइटिंग की बढ़िया होगा, क्योंकि अगर आपके मन में आएगा कि कुछ बढ़िया करना है तो वी विल बी देयर फॉर एवरीथिंग, मगर आपके अंदर से होना चाहिए कि सर हमको करना है। वैसे अभी नेक्स्ट वॉक होगी इसी वीक में, थर्सडे फ्राइडे को, कब है मैम? थर्सडे होपफुली। कौन कौन आएगा? सुबह 6 बजे। अब बारिश होगी तो वो अलग बात है, बट अदरवाइज आप लोग आ सकते हो एंड आओगे तो समझेगा ना क्या है वो चीज। उठना मुश्किल होता सभी के लिए सुबह, जब सुबह 5 बजे अलार्म बजता है ना, सभी के मन में आता है मैं उठूं या सो जाऊं। वो चॉइस आती है जो आपकी लाइफ बनाती है, उठूं या सो जाऊं, है ना। तो वहां कई लोग स्नूज कर देते हैं, मगर वहां उठ जाओ भाई, मुंह धो लो, उसके बाद नींद भी नहीं आएगी। तो द थिंग इज, अपने को ये सब चॉइसेस लेनी है, क्योंकि आपका पूरा करियर आपके चॉइस के बेस पे बनेगा। तो ये एक बेसिक था जो आपको बताना था। मैं एक बार मैम को बुलाऊंगा, वो भी आपसे बात करेंगे एंड देन आई विल कम बैक। मैम कितने लोगों ने कॉमर्स लिया है, इसका कोई रीजन है, या कितने लोगों का रीजन ये है कि साइंस नहीं लेना था इसलिए कॉमर्स लिया है? ये रीजन तो पक्का, हाथ नहीं उठाओगे तो झूठ बोल रहे हो। मतलब यहाँ पे आधे लोगों का तो रीजन यही है। अरे उठा सकते हो, मैं अपना हाथ उठाती हूँ पहले। मैंने इसीलिए लिया था, मतलब वो एक ही जेन्युइन बच्ची है, वो धीरे धीरे हाथ उठा रहे। और यहाँ पे बाकी लोगों को कॉमर्स ही लेना था इसीलिए। अच्छा, कॉमर्स के सब्जेक्ट आप लोगों को पहले से पता थे कि क्या क्या पढ़ने वाले हो, पता था? बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी बच्चे हो यार, स्मार्ट, गुड। तो बेसिकली ना, अभी आज आप लोगों का फर्स्ट डे है, आप लोगों को एक बेसिक इंट्रोडक्शन सर ने दिया कि भाई कॉमर्स क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। पर फिर भी आप में से कितने लोगों को लगता है कि कॉमर्स, क्योंकि आपने 10th तक तो कभी पढ़ा नहीं ना, अभी जैसे सर ने पूछा था कि अकाउंट्स पढ़ा क्या, आपने बोला नहीं, क्योंकि 10th तक अभी आपके करिकुलम में नहीं था ऑफिशियली। तो कितने लोगों को लगता है कि हमको अकाउंट्स पता ही नहीं है क्या है, या इकोनॉमिक्स पता ही नहीं है क्या है, हमने क्योंकि कभी पढ़ा ही नहीं है, है राइट? तो पता है, एक चीज जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कॉमर्स के बारे में इस कि हमने ऑफिशियली कभी नहीं पढ़ा है, बट हम सब वो सब्जेक्ट को जानते हैं कि एग्जैक्टली वो क्या, क्योंकि हम रियल लाइफ में उसको डेली बेसिस में यूज करते हैं, डेली बेसिस में हम लोग कॉमर्स यूज करते हैं, ठीक है। एक हमेशा मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ अकाउंट्स का, कि आप लोगों को हर मंथ आप लोगों को पॉकेट मनी मिलती है घर से, राइट? तो अभी जैसे अभी अभी जुलाई शुरू हुआ, 3 दिन पहले, आपके जून में जो 10,000 मिले थे वो खत्म हो गए, वो पॉकेट मनी थी। तो आपको अभी जुलाई में चाहिए था पैसे, पॉकेट मनी। तो पापा या मम्मी देने के पहले ये पूछते ना कि बेटा जून के जो 10,000 दिए थे उसका क्या किया, हिसाब मांगते हैं? नहीं, आप लोग एक छोटा मोटा हिसाब रखते हैं या नहीं, कि भाई 10,000 में से मैंने 3,000 के तो ड्रेस ले लिया था, या शॉपिंग शूज ले लिए, पार्टी में उड़ा दिए, जो भी है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी,
तो अपने अभी तक ऑफिशियली नहीं पढ़ा, बट यही है जो हम लोग डिटेल में बिजनेस लेवल में पढ़ेंगे आपके सब्जेक्ट में। दूसरा जैसे सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स एंड ऑल, वो भी आपका सबका टेंथ हो गया, राइट हो गया ना सबका, पता है ना सब पास। तो आप में से कितने लोगों ने सोचा था, एटलीस्ट मन में आया था कि टेंथ हो जाएगा तो नया फोन चाहिए, एक बार सोचते ना, इतना शर्मा के हाथ उठा रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ नया चाहिए, पेरेंट्स से डिमांड करते हैं ना। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल ले लेते कि भाई नया फोन चाहिए, टेंथ हो गया, ठीक है। अभी लेटेस्ट फोन कौन सा, आईफोन में, आईफोन 13, राइट, 14 आने वाला है कब, सितंबर में, पता है। तो अगर मुझसे कोई पूछा होता ना कि भाई फोन अभी ले रहे हो या दो महीने बाद लोगे सितंबर में, तो मैं तो क्या करती, अपन तो कॉमर्स वाले बच्चे ना, अपन तो फाइनेंशियली सोच के डिसीजन लेते हैं, तो मैं अभी नहीं लेके सितंबर में आईफोन 13 लेती। कितने को पता था प्राइस कम हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, आपको पता था, ये क्या है, इकोनॉमिक्स। बस क्या होगा, हम लोग ऑफिशियली उसको पढ़ लेंगे जब हम लोग सब्जेक्ट शुरू करेंगे, तो बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो आपका ये भी अगर रीजन था कि भाई साइंस नहीं लेना है, तो अब ये रीजन होना चाहिए क्योंकि इतने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं, राइट, अबाउट कॉमर्स। ठीक है, अब सेकेंड चीज, सर ने आपको सब्जेक्ट्स तो बता दिए, बट मैं और थोड़ा सा सर को खुश कर देती हूँ। आपको ऑप्शन क्या बताए थे सर ने, मैथ्स और OCM के बीच में, मेनली लाइक 80% लोगों को। तो अभी जैसे आपको OCM सर ने बताया, प्राची मैम पढ़ाने वाले हैं, बट लास्ट ईयर ना मैंने OCM पढ़ाया था। अब मुझे बताओ, आप लोग लास्ट ईयर मेरे पास आते कि मैम हम लोग कंफ्यूज हैं कि मैथ्स लें या OCM लें, क्योंकि मैं OCM पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको क्या सजेस्ट किया होता। अरे एक नॉर्मल पर्सन क्या करेगा, वो खुद पढ़ा रहे तो OCM, तुमको समझ गया ना क्वेश्चन, इसीलिए बट नॉर्मल पर्सन क्या करता, OCM सजेस्ट करता, राइट। बट स्टिल अभी आपको लगेगा कि मैम आप तो बोलोगे ही ऐसा, अभी मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, बट मैं नेक्स्ट लास्ट ईयर पढ़ा रही थी, फिर भी आई वुड हैव सजेस्टेड कि भाई मैथ्स लो, सारे सर ने रीजंस बता दिए हैं। तो अभी भी अगर किसी को भी डाउट है कि OCM पढ़ना है, मैथ्स नहीं पढ़ना है, तो गाइस यू स्टिल नीड टू रीथिंक, ठीक है, क्योंकि मैथ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। नाउ एक और माय फेवरेट टॉपिक इज, आप लोग कैप्स में तो आ गए, कितने लोगों को कैप्स के बारे में कुछ पता है, मतलब आप लोग किस रीजन से कैप्स में आए हो। ओके ग्रेट, मतलब उनके दीदी यहां से सीए बनी है, और कितने लोगों को कैप्स के बारे में पता क्या है आपको, या फिर बस मार्केट में सुना था तो आ गए, नाम तो पता था कैप्स करके कुछ है ना। या हम लोगों की फोटो अच्छी दिख रही थी इसलिए आ गए, नहीं क्या, ओके चलो, तो एक रीजन है। अच्छा सर आपको कितने साल के लगते हैं, कितने साल के होंगे, कितना कितने बोल रहे हो सर, ये तो आपका बायोडेटा पढ़कर आए लगे। बायोडेटा, सर का बायोडेटा आया था क्या आपके घर में, तो बेसिकली बताने का ये मतलब है ना कि सर के पास तो फिर भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। अच्छा मेरी एज क्या गेस करते हो आप लोग, क्या 30, अरे बुरा लग गया मुझे। तो बताने का कोई मतलब नहीं है, आप लोग 30 गेस कर रहे हो, मुझे नहीं सुनना आपसे। तो बात यह है कि भाई मैं आपको इसीलिए कैप्स के बारे में बता रही हूँ क्योंकि अभी आप लोगों को देखिए एटलीस्ट इतना तो समझ गया होगा कि मैं बहुत ज्यादा बड़ी नहीं हूँ, मेरा सीए क्वालिफाई हुआ है अभी सिर्फ 3-3.5 साल हुए हैं। तो मैंने खुद राइट फ्रॉम माय 11th, जो अभी आप लोगों 11th 12th से लेके इवन सारी सीए की पढ़ाई एंड सीएस की कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि सीए कर लिया था, सीएस तो साइड बाय साइड हो गया, मैंने खुद कैप्स में किया है। एंड अभी भी ये तो हम लोग तो रिकॉर्ड कर ही रहे हैं, आप लोग अलग से रिकॉर्ड करना चाहो तो कर सकते हो। अभी भी आप लोग मुझसे पूछोगे कि सीए कैसे बने, तो आई कैन जस्ट से क्योंकि जितने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हम लोगों को यहाँ की क्लास से आती है, बिकॉज वी डोंट बिलीव इन कि हम आपको रटिफिकेशन करा दें, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स आपको समझना चाहिए। क्योंकि ना क्या है, 11th 12th की पढ़ाई में तो शायद आप थोड़ा सा रट भी लोगे ना, तो आपका अगर टारगेट है 90% लाने का तो शायद नहीं आएंगे रट के करोगे तो, बट 75-80 तो आ जाएंगे, है ना।
क्योंकि यहाँ पे फेल होने का डर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा थोड़े से परसेंटेज ऊपर नीचे होने का डर है। पर जब आप फर्दर स्टडीज में जाओगे, जो भी आपको करना है, सीए एमबीए क्लैट सीयूईटी जो भी करना है आपको, वहां पे अगर कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं ना, तो वहां पे डर ये नहीं है कि 10% कम हो जाएंगे, वहां पे इक्वल प्रोबेबिलिटी है। आपने प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा है ना 10th में या 9th में, इक्वल प्रोबेबिलिटी क्या फेल हो सकते हो, राइट? ये तो सबने सुना ही होगा कि सीए बहुत टफ है, पास नहीं होते, बट हम लोग तो हुए ना एक बार में। तो इसीलिए क्योंकि 11 12th से हमारे कॉन्सेप्ट उतने क्लियर थे, और जो अभी भी आप रिकॉर्ड कर लो कि वो जो कैप्स की फैकल्टीज में हम लोग जितना डिटेल में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं उसके बेसिस में होते हैं। तो इसीलिए आई ज्वाइंट कैप्स एंड आई कैन मेक श्योर यू ऑल कि भाई आप लोगों ने भी बहुत सही डिसीजन लिया है। मतलब एक होता ना कि हमने अपना फ्यूचर किसी अच्छे इंसान के हाथ में दे दिया है, एंड नाउ यू नीड नॉट नीड टू वरी। बस ये कि अपने साइड से एफर्ट्स आपको करना है, हम लोग कितना भी पढ़ा ले अल्टीमेटली इट इज अप टू यू कि आप लोग कितने रिसेप्टिव हो उन चीजों के लिए, एंड अपने साइड से कितना हार्डवर्क कर रहे हो। आपके लिए हार्डवर्क तो हम नहीं कर सकते, आपके जगह पे प्रैक्टिस हम नहीं कर सकते। तो गाइज दैट इज ऑल जो मुझे बताना था आपको कैप्स के बारे में, एंड मेजरली जो भी हमने डिस्कस कॉमर्स के बारे में डिस्कशन किया। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो वील टेक, अदरवाइज आई हैंड इट ओवर टू सर। सब समझा दिया, अच्छे ही पढ़ाते हम लोग, एक ही बार में सब बता देते, क्वेश्चन की जरूरत नहीं रहती। अभी एक हफ्ता, इस हफ्ता जब भी आपका अगले 3 लेक्चर्स जो भी मैथ्स के हैं वो सभी के लिए कंपलसरी है, जिनका मैथ्स नहीं है ओसी है वो लोग के लिए भी। द रीजन इज मैं इनिशियली कुछ बेसिक मैथ्स पढ़ाऊंगा जो आपको अकाउंटेंसी में काम आएगा, अकाउंटेंसी में भी थोड़ा सा मैथ्स है, तो मैंने सबसे पहले मैं वो वाला, और दूसरा जो जीएसटी वीएसटी होता ना, थोड़ा सा जीएसटी नहीं थोड़ा सा परसेंटेज डिस्काउंट, वो सब चीजें हम लोग कवर करेंगे क्योंकि वो अकाउंट्स में आता है थोड़ा सा पार्टनरशिप वगैरह चैप्टर में, तो वहां दिक्कत जाती है, और मैं चाहता हूँ वहां भी मार्क्स अच्छे आए आपके। तो 3 दिन जब भी आपको मैथ्स का लेक्चर दिखेगा टाइम टेबल में, इट इज फॉर एवरीबडी कंपल्सरी। फिर 3 दिन जब हो जाएंगे, 3 लेक्चर्स में बता दूंगा, तो उसके बाद जिनका मैथ्स है उनका करिकुलम स्टार्ट करेंगे, तो जो ओसी वाले हैं उनको उस टाइम करने की जरूरत नहीं, ठीक है? बट यस ये एक चीज। इसके अलावा आपको स्टार्टिंग से ही एक चीज करनी है कि आप जब जब सिलेबस थोड़ा आगे बढ़ता है आप थोड़ा थोड़ा घर पे पढ़ते रहिए। जैसे आज आपका अकाउंट्स हो जाएगा तो पता है घर जाके 5-10 मिनट में भी वो रिवाइज हो जाएगा। वैसे रोज के 5-5 मिनट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ाई आगे बढ़ेगी, रोज घर जाके थोड़ा बहुत पढ़ो, कभी आधे घंटे में हो जाएगा, कभी 2 घंटे लगेंगे या 1 घंटे में हो जाएगा। बस आप चाहते हैं कि आप लोग पढ़ते रहो ताकि आपका एक कनेक्शन बना रहे, क्योंकि आप सोचो कि आप चाहते हो, जैसे आप मेजोरिटी लोगों ने सोचा है कि हम 11th करेंगे साथ में सीए करेंगे, यानी हम एक 22 की एज में सीए बन जाएंगे 2028 वगैरह तक के। बट ऐसे तो हर कोई सीए बन जाएगा या हर कोई वो एमबीए कंप्लीट कर देगा, तो ऐसा क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है जो आप में होगा सब में नहीं है? मतलब आपने ऐसा एक्स्ट्रा कुछ तो करना पड़ेगा ताकि आपका रिजल्ट एक्स्ट्रा आए, नहीं तो कई लोग कॉमर्स करेंगे बट आपका एक करियर बनने के लिए आप एक्स्ट्रा क्या करोगे? सिंसियरली मेहनत करोगे, क्योंकि सिंपल हिसाब होता है साल में अगर 300 दिन है, मोटा मोटा छुट्टी वुट्टी हटा दो 300 दिन, और रोज 1 घंटा पढ़े तो कितनी पढ़ाई होती है? 300 घंटे पढ़ाई हो जाएगी, 300 का टेबल आता है, 300 × 300 बढ़िया फास्ट है सब। 300 दिन 1-1 घंटा पढ़े तो 300 घंटे पढ़ाई होती है। मगर आप अगर आखिरी के 10 दिन में पढ़ने जाओगे और आखिरी के 10 दिन एग्जाम के पहले 10 दिन आप 10-10 घंटे पढ़ोगे तो भी कितनी पढ़ाई होती है? 100 आवर्स फिर भी काफी शॉर्ट है। कहां मैं 1-1 घंटा बोल रहा हूं, कहां 10-10 घंटे, फिर भी वो मैच नहीं कर पा रहा इसे। तो द की टू सक्सेस इज वो टॉर्टोइज जो कछुए से जीता, सॉरी कछुआ जो खरगोश से जीता था, याद है? वो कंसिस्टेंटली चलता गया, अपने को भी वही करना है, खरगोश की जगह अपने को बनना है कछुआ। अगर अपन खरगोश है तो अच्छी बात है, सोना मत बस, बट यस अपने को स्टडीज ही कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करते रहना है, एंड सब कुछ एट द एंड क्लिक होगा, सब बढ़िया होगा। वी आर देयर टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, चाहे वो एकेडमिक्स हो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, चाहे को साथ की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपका पर्सनालिटी डेवलप करेगा, वो भी इंग्लिश के ऊपर भी अपन करेंगे। मैम एंश्योर कर लेना कि ये लोग 1 वीक अपन ना इंग्लिश डे करेंगे कि सिर्फ उस दिन इंग्लिश में बात होंगी और हंसेंगे जो जो से बैठ के, तेरी इंग्लिश तो सिटेट टाइप है, तेरी अलग ही है ऐसा, ठीक है? तो ये सब अपन करेंगे, अपना इवेंट भी होगा, कल्चरल प्रोग्राम भी होगा, अपना एक कैंप भी जाएगा, एंड लर्निंग पर्पज से फन तो आता ही है हर चीज में, लर्निंग पर्पज से अपन कैंप भी जाएंगे, अपन रीडिंग भी शुरू करेंगे। लास्ट 11 की बैच ने हम लोगों ने बुक्स डिसाइड किया था, सब लोगों ने 20 बुक्स खरीदा था, एंड एक ने एक खरीदा था, ऐसे 20-25 लोगों ने एक एक बुक लिया था, वो पढ़ने के बाद उन्होंने एक्सचेंज किया था, तो हर एक को 100 रुपए में 25 बुक पढ़ने का मौका मिला था।
तो अपन ऐसा खुद का बुक क्लब रन कर सकते हैं, मतलब पढ़ो और दूसरे से एक्सचेंज कर दो टाइप्स का। तो बुक की लिस्ट हम आपको दे देंगे, 10 मैं दे दूंगा, 10 पे हम दे देंगे, उसकी कोई चिंता नहीं है। बस द थिंग इज, हम ये बताना चाहते हैं कि वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि ना हम लोग पैशनेटली हर चीज के पीछे काम करते हैं, चाहे वो आपका स्पोर्ट्स पीरियड क्यों ना हो, विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मगर लेकिन आपको भी तो अंदर से लगना चाहिए कि हमें वो चीज अचीव करनी है। किसको लगता है कि आप वो एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं? किसी किसी को अभी भी लगता है कि नहीं, हम सोचेंगे नहीं। एंड क्या आपको लगता है कि आप लोगों ने 11 से ही पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए? क्योंकि मार्केट में ट्रेंड है कि 11 में क्या पढ़ना, टाइम पास करेंगे, 12 में पढ़ेंगे। एक सिंपल फॉर्मूले पे हम लोग चलते हैं, मतलब 6 ईयर्स वर्सेस 60 ईयर्स, ये 6 साल मेहनत करोगे 60 साल आगे के अच्छे हो जाएंगे। ये 6 साल मेहनत नहीं करोगे आगे, 60 साल मेहनत करनी पड़ेगी। कितनी मेहनत पड़ेगी, 6 या 60? सिंपल है। अब मैं ये नहीं बोला दिन रात पढ़ो 8-8 घंटे, वो तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं। क्या बोला मैंने, कछुए के समान 1 घंटा 2 घंटा थोड़ा थोड़ा रोज का, रोज 2 घंटे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा ऐसा सिचुएशन रहेगा। बट वी हैव टू स्टार्ट विद 1 आवर डेली का, धीरे धीरे 2 करेंगे, फिर देखेंगे कब क्या जरूरत आती है। एग्जाम टाइम पे थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, बट द की टू सक्सेस, कंसिस्टेंटली हमें पढ़ते जाना है, मेहनत करते जाना है ना। अगर इसके लिए आप तैयार हो, कौन तैयार है रोज का रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने के लिए? हाँ इट इज ओके, आज नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, आज शादी थी दोस्त की। हाँ जो मतलब दोस्त की तो नहीं आएगी, आपके दोस्त छोटे छोटे होंगे तो आजकल भरोसा नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है आप पढ़ नहीं पाए तो अगले दिन कवर कर देना थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ के, बट ये आपको हिसाब तो मेंटेन करते हुए जाना है ना। अब कोई क्वेश्चन किसी का? नो क्वेश्चन? कुछ तो आया होगा मन में कि क्या करना चाहिए सर? कुछ नहीं, सब क्लियर है। टॉयलेट कहाँ जाना पता है? टॉयलेट में, मतलब बॉयज का या गर्ल्स का, या बॉयज का या, ये क्लियर है सबको। ऑनलाइन वाले मत पूछना कि टॉयलेट कहाँ जाना है आपने अपने घर पे। तो यस, एंड आपका जो टाइमिंग है सबको क्लियर है टाइम टेबल? अभी इनिशियली 2 से आपके ग्रुप में आते जाएगा, आगे आपका टाइमिंग से हो जाएगा 2, 2:15 से 3:15, 3:30 से 4:30, 5:45 से 6:45, एंड 6 से 7, ऐसा 4 लेक्चर्स डेली पे आ जाएंगे आप लोग कुछ दिन में ही। इनफैक्ट अगस्त से वैसा आ जाएगा समझ लो, अगस्त में कोई डेट से, इनिशियली धीरे धीरे, ताकि आप लोगों को मौका मिले छुट्टियों से बाहर निकलने का। बट एक चीज, किसी को किसको पढ़ाई करना मजा आता है? इट इज ओके, मुझे नहीं आता था, इट इज ओके। किसको पढ़ाई बोर होती है? इट इज ओके। बायोलॉजी तो ऐसा बोर होता था मुझे, इसलिए मैं कॉमर्स में हूं। मैम जब पूछ रहे थे ना क्यों, बाकी लोग का क्या है बेटा पता नहीं, सब लोग हाथ ऊपर करो, राइट हैंड ऊपर, किसको पढ़ाई अच्छी लगती है हाथ नीचे कर लो। कंफ्यूज है लोग। बेटा पढ़ाई में मजा तब आएगा जब आप पढ़ाई करोगे। क्या होता है, सिंपल सा सर्कल चलता है, आपने आज पढ़ाई किया यानी आपको समझ में आया, समझ में आया मतलब मजा आएगा, अब मजा आएगा तो आप और पढ़ाई करोगे, और पढ़ाई किए और समझ में आने लगा, मार्क्स भी आने लगे और मजा आने लगा, और मजा आने लगा और पढ़ने लगे, और मजा और पढ़ाई और मार्क्स और मजा, और समझ रहा है क्या सर्कल? या तो ये सर्कल बनेगा या दूसरा बताता हूं। आज सर ने पढ़ाया, हमने पढ़ाई नहीं किया, समझ में नहीं आया, मजा नहीं आ रहा है, क्लास में ध्यान नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, ध्यान नहीं, समझ नहीं, मजा नहीं। काय में रहना चाहोगे, फर्स्ट या सेकंड? एक बार अपने को वो सर्कल में आ जाना है। इट इज डिफिकल्ट टू कम इन दैट ऑर्बिट, बट एक बार आ गए ऑटोमेटिक आपको मजा आने लगेगा। मैं बता रहा हूँ मजा आता है पढ़ाई में। मैथ्स की अगली क्लास कल है ना 2:15 बजे, मैं आपको प्रूफ करके दूंगा कि पढ़ने में मजा आता है, याद दिलाना मुझे, सब प्रूफ करके बताओ कैसे मजा आता है। मैं आपको 10 मिनट में प्रूफ करके दूंगा, वादा रहा, ठीक है। बट द थिंग इज, बी प्रिपेयर्ड, एक बार ट्राई करो कि आप उस सर्कल में आ जाओ। और सर्कल में कैसे आएंगे, आज घर जाके किताब खोलने से। आज घर जाके किताब खोलेगे नहीं, कभी भी ऐसा लगा खोलना कि नहीं, खुद को बना 5 मिनट खोल ले भाई क्या चाह रहा, फिर 2 घंटे घूमना, 5 मिनट के लिए तो खोल सकते हैं कि नहीं, बस 5 मिनट खोलना है, एंड आपने एक अच्छा कदम अपनी लाइफ की ओर बढ़ाया। क्योंकि इट इज सिंपल, 6 ईयर्स वर्सेस 60 ईयर्स, तो आपकी चॉइस सिंपल होनी चाहिए, 6 ईयर्स। आई एम थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, टीचर्स, वो सब सीनियर्स जिन्होंने मुझे टाइम टू टाइम गाइडेंस दिया और मुझे समझाया कि ये 6 साल कितने इंपॉर्टेंट थे। उस टाइम पढ़ा मैंने, मैम ने भी, तो आगे 60 साल उतनी चिंता नहीं है फिर,
बट वो टाइम नहीं पढ़ते तो आगे हमेशा फिर कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता। पढ़ना तो है भैया, आज पढ़ना मतलब मेहनत तो करनी है, ये 6 साल करनी है कि 60 करनी है, वो सिंपल चॉइस अपने सामने आती है। यस मैम, कुछ पॉइंट मिस हुआ है? एनीथिंग एनीबडी, कुछ भी आपके मन में सवाल होगा तो एक दो सवाल तो पूछो, मुझे अच्छा लगेगा। ऐसा मत करना, एनीबडी एनी क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हो। सर आपका नाम क्या है? हाँ देखो, अभी 11 में थोड़ा थोड़ा इट इज ओके, बट बेसिकली क्या सीखना है ना, आपको अपना कंट्रोल होना चाहिए उस पर। ऐसा नहीं है बैठे हर 5 मिनट में अपनी उंगली ऑटोमेटिक मोबाइल का फिंगरप्रिंट वो जा रही है, मोबाइल ऑन हो रहा है, व्हाट्सएप पे जा रहे हैं, कुछ नहीं है बंद कर दिया है ना, तो वो नहीं, अपने आप नहीं होना चाहिए। अपन ने कॉन्शियसली कि भाई आज मैं 7 से 8, आज सुबह जितना कम कर सको उतना अच्छा, तो क्योंकि बड़े बड़े काम सेक्रीफाइसेस मांगते हैं। तो अगेन अभी सोशल मीडिया लिमिटेशन में रखो, आगे सोशल मीडिया पे आपके फॉलोअर्स वैसे बनेंगे, और आज फॉलोअर के पीछे इतनी मेहनत करोगे और नाम रह जाएगा, तो पहले अपन नाम बनाते हैं फिर फॉलोअर बढ़ाएंगे, है ना। वैसे भी सिंपल है ना, अपन फोटो खींच के क्या करते हैं सोशल मीडिया पे डालते हैं, वहां 10 लोग लाइक करते हैं। मैं कहता हूँ ये 10 लोग या 100 लोग लाइक करते हैं, 200 करते हैं, 100-200 लोग लाइक करते रहेंगे 5-6 साल, क्या मतलब है 100-200 में? मैं बोला 5 साल रुको, सीए बन गए, सीए का रिजल्ट डालो, देखो 500 लाइक आते हैं कि नहीं, मतलब ऐसा, वो इम्पोर्टेंट है ना। तो वो एक काम अचीव करो। वैसे अभी तो पहले 12th का रिजल्ट डालेंगे अपन, 2-4 लाइक मैं कर दूंगा। एक एक ठीक है, कोई सवाल किसी का? चले जाएंगे, दोस्त का फोन आएगा चल घूमने, बोला चलता हूँ 1 घंटा पढ़ के आता हूँ। मैं घूमने के लिए तो मना कर ही नहीं रहा, रोज खेलो बेटा, रोज 1 घंटा खेलो कुछ ना कुछ, रोज म्यूजिक डांस जो इच्छा है वो करो, बिल्कुल सब चीज करनी चाहिए, मगर 1 घंटा पढ़ने के बाद या 2 घंटा पढ़ने के बाद। मुझे कभी भी किसी दोस्त ने फोन किया मूवी चल, मैंने कभी मना नहीं किया, मैंने बोला बस मेरे को 2 घंटे की नोटिस देना, ये मूवी जाना है, मैं पढ़ाई करके जाऊंगा ना भाई, मूवी देखने का मजा है, नहीं तो मूवी चले गए, बार बार दिमाग में पढ़ा नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा नहीं, फिर पढ़ाई करने बैठे मूवी नहीं गया मूवी नहीं गया मूवी, ऐसा वो नहीं होना चाहिए। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, अब गए मूवी, वाह मैं पढ़ के आया हूँ, अब तो मूवी देखने का भी मजा है, दोनों का मजा देना है, मूवी भी खराब नहीं होनी चाहिए पढ़ाई भी खराब नहीं होनी चाहिए। तो आएगा दोस्त का फोन आएगा आपको, क्या बोलोगे? 1 घंटा पढ़ के आता हूँ, नेक्स्ट शो। वैसे भी आजकल शोज बहुत है, या नहीं तो दूसरा मॉल, मॉल की कमी है क्या नागपुर में? नहीं है वैसे थोड़ी कमी, 2-4 और ना। नहीं यस, और कोई सवाल किसी का? एक आधा और अच्छा लगेगा मुझे, बाकी अपन धीरे धीरे इंट्रोडक्शन करेंगे क्लास में, आज तो बेसिक आपको सब बताना था, समझा क्या है कैप्स, कैप्स का लीगेसी, रिजल्ट्स, टेस्ट, क्लास टेस्ट सब कुछ होगा, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आपका बैकअप आपको मिलेगा, ऑनलाइन भी कर सकते हो, कभी मिस हुआ कहीं और सिटी में हो, इंडिया के बाहर गए हो, ऑनलाइन अटेंड कर लेना, सब कुछ पॉसिबल है, बस सबसे इंपॉर्टेंट आप हो कि हाँ आपके अंदर से आना चाहिए मुझे करना है। एनी क्वेश्चन एनी बड़ी, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा नाम छोड़ के, यस एनी क्वेश्चन, एक हाथ बेटा, डर लग रहा है क्या? आपके कारण मैं जिम नहीं जाता कि लोग डरे ना मुझसे डाउट पूछने में। हाँ बेटा, क्या आप सेंट्रल अकेडमी ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज? यस, अच्छा सवाल था, शॉर्ट में कैप्स हो गया वो, सेंट्रल अकेडमी ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, तो इट इज डीजी शर्मा कैप्स। कोई आखिरी? नहीं मैम, कुछ रहा है टाइम टेबल? इनको बता दिया है आगे का, आपके ग्रुप में टाइम टेबल आ गया है? कोई ग्रुप में ऐड नहीं हुआ होगा तो अगेन कैप्स का जो नंबर दिया 9693120120 पे कॉन्टेक्ट करना, वो आपको ऐड कर देंगे, एंड वहां पे सारे टाइम टेबल पोस्ट हो जाते हैं। अभी आपका ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर हुआ है, इसके बाद आपका 3:30 बजे नेक्स्ट लेक्चर रहेगा अकाउंटेंसी, ठीक है, एंड ऑल दी बेस्ट सभी को। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग बहुत अच्छी मेहनत करें, बहुत अच्छे से लाइफ को एंजॉय करें, क्योंकि लाइफ में एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, चाहे वो खेलना हो, म्यूजिक डांस हो या पढ़ाई हो, हम तीनों चीजें करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है ना, लेकिन सबको बैलेंस करते हुए चलेंगे, कोई एक चीज इग्नोर नहीं करेंगे, डू एवरीथिंग, अच्छा स्कोर भी करो, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो, एंजॉय भी करो, चाहे म्यूजिक हो डांस हो या जो भी हो, तो डू एवरीथिंग, तो आपको भी एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि कुछ किए हो। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, हम चाहते हैं कि आप लोग का बहुत अच्छा करियर बनाए आगे, एंड सी यू टुमारो। मेरा लेक्चर कल होगा 2:15 बजे का, है ना, तो उसमें मिलेंगे। मैथ्स सभी के लिए 3 दिन कंपलसरी, क्योंकि हम लोग अकाउंटेंसी का थोड़ा बेसिक्स पढ़ेंगे, मतलब जो मैथ्स उसमें काम में आएगा वो, ठीक है, दैट्स इट, ऑल दी वेरी बेस्ट मैम, आखिरी वर्ड्स। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल, एंड आई होप अभी आप लोग रिग्रेट नहीं कर रहे हो कॉमर्स में आना, एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट।